अब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इतने बड़े कैंपस में मेरी मॉम रहती हैं, यहाँ पे नई लवेली जो दुल्हन है जो कि मेरी बहू है वो यहाँ रहती हैं। कम से कम 100 गाय होंगी। खाने का भूसा भी है इधर, बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई है उधर, देख रहे हैं बहुत सारी बकरियाँ हैं। और हमारे जो पिताजी हैं उनको बहुत लगाव है जानवरों से। आप इधर देख सकते हैं इधर कितनी सारी गायें हैं, ये साहिवाल गाय है। यहाँ से हम लोग फान के चलेंगे, ये मंदिर है, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। खेसारी का साग खाए होंगे आप लोग, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा फार्मिंग का भी चीज़ है। और पीछे मंदिर है और गौशाला है, गौशाला में कितनी गायें हैं आइए आपको दिखाते हैं। अभी 10 नंबर आवास में जो कि यहाँ मेरी मदर रहती हैं, मेरी मॉम रहती हैं यहाँ पे, और हमारे छोटे भाई रहते हैं, और उनकी नई नवेली जो दुल्हन है जो कि मेरी बहू है वो यहाँ रहती हैं। और आइए आपको कुछ सीन दिखा देते हैं। देखिए बस वस है इधर, बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और आइए इधर, इधर आपको गौशाला है और गौशाला में बहुत सारी गायें हैं। और इतनी सारी जो गायें हैं, कम से कम सारे बछड़ों को मिला करके, गायों को मिला करके कम से कम 100 गायें होंगी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इतने बड़े कैंपस में, इतना छोटा कैंपस भी नहीं है लेकिन बड़ा कैंपस है, और इतने बड़े कैंपस में गाय है और गाय का खाने का भूसा भी है यहाँ पे रखा हुआ। ये देखिए गाय का खाने का भूसा भी है जो कि इसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं ताकि खाने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इधर देख रहे हैं बहुत सारी बकरियाँ हैं और बकरी के बच्चे भी हैं यहाँ पर, आप देखिए ये बकरी है, कितनी अच्छी बकरी है, ये ब्लैक बकरी और उसके बच्चे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे हैं उसके बकरी के। और पिताजी से, और हमारे जो पिताजी हैं उनको बहुत लगाव है जानवरों से, खासकर गायों से। जो कि गाय हैं यहाँ और इस शेड में गाय रहती हैं और गाय का खाने के लिए भी व्यवस्था किया है। आप देख रहे हैं ये बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, कितना छोटा बछड़ा है। आप इधर देख सकते हैं इधर कितनी सारी गायें हैं, ये देखिए उनके बछड़े हैं, गाय हैं, देसी गाय है। ये जो है सिंह वाली, ये दोनों देसी गाय है, ये देसी गाय हो गई। और ये देखिए इसमें जो गाय हैं ये सब जर्सी गाय भी हैं, देसी गाय भी हैं, ये साहिवाल गाय हैं, ये जो बीच वाली जो गाय है ये साहिवाल गाय है। बाबर मारेंगे, इधर भी स्टॉक रखा हुआ है भूसा का, इसमें स्टाफ क्वार्टर है, इसमें स्टाफ वगैरह रहते हैं। ये देखिए इसमें भूसा है और ये स्टॉक किया हुआ है भूसा, इसमें भूसा से इससे नहीं से भूसा निकलता है जो कि घास वास होता है ना, और जो गाँव वाँव में जो कटता है जिसको धान वान कटा, खेसारी जिसको बोलते हैं, खेसारी का साग खाए होंगे आप लोग, वो उसका कटा हुआ तो उसका ये सब रहता है, उसका खाने का व्यवस्था इसमें किया गया है। इसमें दवा का भी व्यवस्था है, इसमें ये चोकर है आप देख सकते हैं, चोकर है, ये चोकर रखा हुआ है गायों के लिए खाने के लिए। और कुछ गाय यहाँ पे हैं और नीचे बालू बालू बिछाई हुई है। और इधर टेम्पल है, ये मंदिर है, अगर हो सकते हैं इधर से हम लोग जा सकते हैं, इसको अगर क्रॉस करें तो इसको क्रॉस करके आप जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग फान के चलेंगे, फान जाइए आप आराम से, आइए खानिए वहीं से जाइए ना। मंदिर तो अभी बंद है, आप लोग क्योंकि मंदिर शाम में 4 बजे खुलेगा। ये मंदिर हमने बनवाया था, साईं बाबा का मंदिर, और मंदिर का 5-6 साल हो रहा है ये मंदिर तो बने हुए, इधर भोले बाबा का है तो पर्दा बंद है लेकिन साइड से आपको देखेगा। और ये बाबा है, और ये बाबा यहाँ पे सेवा करते हैं, पूजा करते हैं,
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से भोले बाबा दिख रहे हैं, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं, हमारे व्यूवर्स जो हैं यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और ये तुलसी माता है, आप देखिए बहुत सारे कपड़े भी सूख रहे हैं, सरकारी है। आइए इधर देखिए, जो आप दिखाते हैं एक छोटा सा मंदिर और है जो कि आपको दिखाते हैं। ये छोटा सा एक मंदिर है, आप यहाँ से देखिए, इसमें लगभग आपके सारे देवी देवता हैं, सारे देवी देवता हैं यहाँ पे। आइए इधर, भूमि जलता है, हवन वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका इसमें भूमि जो है जलता है। ABP News आपको रखे आगे।